दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय RSM ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाहन इकाई द्वारा सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS जनरल स्वर्गीय विपिन रावत व अन्य शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इकाई अध्यक्ष शुभम ठाकुर ने बताया कि कल हुई दुर्घटना देश के लिए अपूर्ण क्षति है। इस हादसे पर विद्यार्थी परिषद गहरा शोक व्यक्त करती है। उधर देश के पहले CDS विपिन रावत के अकस्मात निधन पर सैनिकों के साथ साथ पूरा देश शोक में डूबा है। इसी कड़ी में मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर पूर्व सैनिकों सहित मंडी जिला के स्थानीय निवासियों ने शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कर्नल TPS राणा और भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने कहा कि CDS विपिन रावत सहित 13 लोगों के दुखद निधन से देश को भारी क्षति हुई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि फौजियों को राजनीति और अन्य संस्थाओं से दूर ही रहने दें। दुखद समय पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल जो दुर्घटना घटी ये पूरे देश के लिए, ना सिर्फ सैनिक समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद दुर्घटना है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे को ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। जो भी जिम्मेदार लोग हैं ऐसे इसमें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। जो भी कारण रहे हों उनको आगे के लिए दूर करने की कोशिश करें और ऐसे दुखद दुर्घटनाएं आगे के लिए ना हो। सैनिक समाज, हम जितने भी यहाँ पे हम रिटायर्ड लोग थे, एक्स सर्विसमैन लीग मंडी, हम सब ने सोचा कि ये इसके लिए श्रद्धा सुमन जो है उन वीर सपूतों के लिए हमें वो करने चाहिए, अर्पण करने चाहिए। इसलिए हमने एक छोटा सा ये प्रवीण शर्मा जी की मदद से यहाँ पर हमने ये किया है प्रोग्राम। तो इसके लिए हम प्रवीण शर्मा जी के और जनरल पब्लिक सभी के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा साथ इसमें दिया। मैं इस मौके पर एक और गुजारिश जनता से करना चाहूँगा कि सैनिक को राजनीति या किसी दूसरे तराजू से ना तोलें। सैनिक सैनिक होता है, उसके लिए सबसे ऊपर देश है। कभी कभी हम भटक जाते हैं और कई किसी पार्टियों के बंधन में या किसी दूसरे जाति धर्म के बंधन में बंध के सैनिक को भी उसी में तोलने की कोशिश करते हैं। कृपया ऐसा ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैनिक जो लड़ाइयाँ जो जीती जाती हैं वो सैनिक नहीं जीतते, लड़ाइयाँ सैनिक नहीं जीतते। लड़ाइयाँ जो हैं सैनिक के अंदर जो जज्बा होता है वो लड़ाइयाँ जीतता है। देश के इतिहास में 8 दिसंबर का दिन बेहद दुखद दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन हम लोगों ने CDS विपिन रावत जी के साथ साथ देश के अन्य वीर पुत्रों को भी खोया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस माटी के वीर पुत्रों को अपने चरणों में स्थान दे और वो सब लोगों को, सब राष्ट्रभक्त लोगों को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। और मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना भाई, अपना पुत्र और उन सभी देशभक्तों जिन्होंने अपनी माटी का लाल खोया है, उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। दिव्य हिमाचल TV के लिए नाहन से सूरत कुंडीर और मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी, राजगढ़ में खुला सोमानी टाइल्स व बाथवेयर का शोरूम। राजगढ़, पझौता, नोहराधार व हरिपुर धार आदि क्षेत्र के लोगों को सोमानी टाइल्स व बाथवेयर के सामान के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शोरूम के मालिक राकेश मैनी व राजन मैनी ने बताया कि सोमानी शोरूम में कंपनी के अत्याधुनिक डिजाइन व साइज की टाइल्स व बाथरूम फिटिंग्स उपलब्ध हैं। शोरूम में हार्डवेयर की विस्तृत रेंज सस्ते व उचित दामों में उपलब्ध है। राजन मैनी ने बताया कि RSM ट्रेडिंग शोरूम राजगढ़ द्वारा पहले ही कामधेनु सरिया, ACC सीमेंट,
टाटा ड्यूराशाइन शीट्स, अपोलो व फिनोलेक्स पाइप्स आदि हार्डवेयर का सामान परवाणु व पिंजौर के रेट में उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब उनके शोरूम में सोमानी का ब्रांडेड सामान भी हिमाचल में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। राजन मैनी बताते हैं कि वो कई दशकों से ग्राहकों को बेहतरीन व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी बदौलत आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी लोगों की पहली पसंद है। सुंदर व मजबूत घर बनाने के लिए आज ही आएं आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़।